दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग भी एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत इजीली, एक व्हाट्सएप की जैसी एप्लीकेशन या फिर जो भी आप चाहें बहुत इजीली एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये दोस्तों कैसे होता है और ये बगैर कोडिंग एक मोबाइल से मोबाइल एप्लीकेशन बनाना कैसे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक क्रोम में, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एप्स गाइजर। दोस्तों एप्स गाइजर लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की सर्चिज आ जाएंगी, रिजल्ट्स आपके सामने कुछ इस तरह के शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है www.appsgeyser.com, इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि एप्स गाइजर की अपनी एक वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस तरह कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इसका व्यू कर देता हूँ आपके सामने कुछ कंप्यूटर जैसा, ताकि आपको सही तरह से ये साइट देखने को मिले। जी दोस्तों, व्यू हो चुका है कुछ कंप्यूटर जैसा, तो आपको उम्मीद है कुछ अच्छा ही अब देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऊपर यहाँ पे इस साइड पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप कर सकते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपनी फेसबुक के साथ। आप यहाँ पे एक नया अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फेसबुक के साथ ही करूँगा। नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर यूज़र, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फेसबुक के साथ ही करूँगा। यह हो चुका है लॉगिन मेरी फेसबुक के साथ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन कैसे बनेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको क्रिएट ऐप का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आ जाएंगे, आपने अपना कंटेंट चूज कर लेना है कि आप किस टाइप की बनाना चाह रहे हैं। आप किसी व्हाट्सएप जैसी, किसी मैसेंजर को भी बनाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप जैसा, तो यहाँ पर आपको मैसेंजर देखने को मिल जाता है। किसी वेबसाइट का URL डाल के उसकी आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पर, किसी ब्राउज़र की तरह की, या फिर आप किसी मैगज़ीन या फिर इस तरह की कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर PDF या टेक्स्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद मीडिया प्लेयर है, मतलब कि हर चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर ऑनलाइन, अगर स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद मोबाइल TV है, म्यूज़िक है, रेडियो है, स्पिनर है, ब्लॉग है, तो आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं ईजिली। ये तक पॉपुलर। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, वेब का मिल जाएगा, मीडिया का मिल जाएगा, कंटेंट और आल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बना के चेक करेंगे कुछ मैसेंजर आज, तो आपको मैं बताऊँगा ये मैसेंजर कैसे काम करता है और ये डाउनलोड कैसे होता है और कितने मिनट में ये बनेगी। तो यहाँ पर मैसेंजर पर आप क्लिक कीजिए या आप जो भी बनाना चाह रहे हैं अपने कॉन्टेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा और ये एक सिंपल व्यू है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करने होंगे कलर, ऊपर वाली बार्स के या एक्शन बार का कलर, एडिशनल कलर आपने चूज़ करना है कि आप किस कलर की एप्लीकेशन चाह रहे हैं, जो एप्लीकेशन का बैकग्राउंड होगा वो कौन से कलर का होगा, मैसेज बार का कलर कौन सा होगा, ठीक है, रिसीव जो मैसेज होगा उस पर कौन सा कलर लगना चाहिए, सेंड मैसेज पर कौन सा कलर लगना चाहिए। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा कि जब कोई मैसेज पढ़ लेता है तो टिक लग जाती है ब्लू कलर की, तो यहाँ पे रिसीव्ड मैसेज पे हम लोग कलर चूज़ कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लू किस्म का कुछ चेंज कर देते हैं बस इस तरह का। तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे अटैच इमेजेस कर रहे हैं आपने जो बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो इमेज कर लेते हैं यहाँ पर पहले। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपने लिखनी है टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो उसको टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन को छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं है। आपने अपनी ऐप का नाम लिखा, उसे यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो कुछ सिंपल सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज द टेस्ट ऐप। तो डिस्क्रिप्शन लिख दी, फिर नेक्स्ट कर दें, और नेक्स्ट करने के बाद
आगे आपको अब चुनना होगा आइकन, वो आइकन जो आप लगाना चाह रहे हैं इस जो है एप्लीकेशन के ऊपर। कुछ डिफ़ॉल्ट आइकन आपको नीचे से भी मिल जाते हैं, अगर आप इनमें से कुछ चूज करके एडिट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कस्टम ही लगाऊंगा। कस्टम पे ये होता है कि आप अपलोड कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी। यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वैसी ही विंडो आपके सामने आ जाएगी जैसे कि पहले बैकग्राउंड में आई थी। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन अभी ओपन हो जाता है यहाँ पे, ये देखें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से गैलरी भी शो हो जाती है डॉक्यूमेंट से। तो ये रही गैलरी। गैलरी में आने के बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है जो आपने लगानी है पिक्चर एप्लीकेशन के ऊपर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो चुकी है दोस्तों। तो सर नेक्स्ट करने के बाद आपको सबसे फाइनल फाइनल आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल गया है क्रिएट का। तो अब सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं तो क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। जी दोस्तों, क्रिएट पे क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं कि ऊपर एक एप्लीकेशन हमें देखने को मिल गया। अब ऊपर भी एक, वो भी दिखाता हूँ आपको। वो कह रहा है एडिट करना चाह रहे हैं कुछ, तो मैं कहता हूँ कि नहीं एडिट हम लोग नहीं करना चाह रहे। वो कह रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कस्टमाइज हो रही है। तो ठीक है भैया, ले लो थोड़ा सा टाइम तुम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि दोस्तों आपको स्कैन क्यूआर कोड भी मिल जाता है। जस्ट आप स्कैन करें और ये ले चलेगा आपको अपनी आपकी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पे दोस्तों अभी डाउनलोड करके चेक करते हैं कि इसने कुछ अभी कहा है कि नहीं। तो ये देखिए नीचे 51% हमारी ऐप टेस्ट हो, ये 100% कंप्लीट हो चुकी है। मोबाइल टेस्ट ऐप, ये 100% टेस्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी देखते हैं कि ये और क्या कहता है दोस्तों। फाइनली ये कह रहा है ऐप इज रेडी, टेस्ट होने के बाद ऐप हो चुकी है रेडी। तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और इसको कर लीजिए आप डाउनलोड। ओके पे प्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे और नेक्स्ट। ओके, ये डाउनलोड अभी इंस्टॉल करके भी चेक करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये यहाँ पे डाउनलोड। ओके ओके, ये बता रहा है आपको इसको जो है वो इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको अननोन सोर्स ओपन करना होगा क्योंकि ये प्ले स्टोर में नहीं है अभी। तो ठीक है भाई, डाउनलोड होती है तो इसको करके देखते हैं इंस्टॉल, और आपको मैं बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन देखने में जी कैसी है, दोस्तों, ये हमको इंस्टॉल होने के बाद कैसे देखने को मिलती है। दोस्तों इस तरह आप एक बहुत ही कमाल की अपनी अपने लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं अपने लिए या फिर दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते किस इससे पैसा नहीं कमाना चाहते, या फिर अभी आप पब्लिश नहीं करना चाहते इसे गूगल प्ले स्टोर पे या फिर किसी भी स्टोर पे, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए भी बहुत ही ईजिली इस एप्लीकेशन इस वेबसाइट से बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट से बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। ये इसमें मज़ेदार बात यह है कि किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ज़्यादा कुछ मेहनत लगती नहीं है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपके सामने एक एप्लीकेशन बहुत ही इजीली बन जाती है। तो अभी इंस्टॉल हो रही है, चेक करेंगे अभी कि सही बनी है कि नहीं जी बनी है। दोस्तों, फाइनली हो चुकी है ये इंस्टॉल। तो अभी इसको करते हैं ओपन। तो ये हो चुकी है ओपन। जो जो हमने कलर चूज़ किए थे वो कलर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, और थोड़ा सा ओपन होती है अभी ये। वैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे अपना नंबर, तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम कुछ नंबर। तो ऊपर मुझे एक कोड आ चुका है टेलीग्राम की तरफ से, और ये ऑटोमेटिकली कोड भी हो चुका है। ओके, उसको करते हैं यहाँ पे ओके, और आपके सामने हो जाएगी एक बिल्कुल मैसेंजर जैसी एप्लीकेशन ओपन। तो आप ये सेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, अल्लाह हाफिज़।